हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस योर लॉर्डशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का हमारा टॉपिक है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट से संबंधित आज हम देखेंगे। ये दिया हुआ है आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो एज यूजुअल हम 5 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे, तो हम पहले क्वेश्चंस देख लें। आवर फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि हाउ मैनी जजेस आर देयर टू बी इन सुप्रीम कोर्ट, कि कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सेकेंड क्वेश्चन विल बी कि वट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। द थर्ड क्वेश्चन विच विल आंसर इज द वट इज द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर या अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन अपॉइंट करते हैं, किन से कंसल्ट करते हैं, क्या कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस या नहीं, ये चीज़ें हम उस थर्ड क्वेश्चन में आंसर करेंगे। देन फोर्थ इज दैट उन्हें ओथ कौन दिलाता है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन विल बी रिगार्डिंग द रिमूवल प्रोसीजर ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग हाउ मैनी जजेस आर देयर टू बी इन सुप्रीम कोर्ट। नाउ इस संबंध में आर्टिकल 124 सेज दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल बी देयर इन इंडिया एंड इट शैल कंसिस्ट ऑफ जजेस एज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। यानी कितने जज होंगे ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा लॉ बना के। तो एट प्रेजेंट वी हैव गॉट 33 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज इन टोटल 34 जजेस आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट। अब हम देखते हैं व्हाट आर द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज वो एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो सेकेंड एस्पेक्ट है वो है कि उनका क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस क्या क्या होना चाहिए लीगल फील्ड में। तो इसमें 3 तरह के क्वालिफिकेशन हो सकते हैं, एनी वन ऑफ द 3 मे बी विल डू। फर्स्ट दैट He must be a judge of High Court for at least 5 years. कि कम से कम 5 साल के लिए he must be a judge of any High Court in India. Second, या इसके अलावा यदि ये qualification नहीं है तो he must be an advocate of High Court for at least 10 years. 10 साल तक He must be an advocate of one high court or more than one high court in succession. यदि ये दोनों भी नहीं है या इसके अलावा अथवा he must be an eminent jurist in the opinion of the president of India. कि वो एक eminent jurist हो। तो first is that citizen of India तो होना ही चाहिए। उसके बाद इन तीनों में से कोई भी एक qualification, that is हाई कोर्ट का जज फॉर 5 years, हाई कोर्ट का एडवोकेट फॉर 10 years या एक एमिनेंट जूरिस्ट। तो ये है क्वाइड क्वालिफिकेशन टू बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देन थर्ड इज दैट व्हाट इज द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। तो द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट जो है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। अब कैसे करता है ये प्रोसेस जो है ये हम समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124 सेज, आर्टिकल 124 में दिया गया है कि प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस, कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस विच ही डीम्स फिट। अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो हमें समझने चाहिए। फर्स्ट इज फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड इज सेकेंड जजेस केस, एंड थर्ड इज थर्ड जजेस केस। मतलब फर्स्ट इट केम अप, दिस मैटर केम अप इन द केस ऑफ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 सुप्रीम कोर्ट। इसी को पॉपुलरली फर्स्ट जजेस केस भी कहते हैं। इस केस में कहा गया कि जो कंसल्टेशन होता है प्रेसिडेंट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस, मींस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। तो फर्स्ट में उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी दी और ये कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है। बट इस जजमेंट को उन्होंने फिर से ओवर रूल कर दिया 1993 में, जिसे पॉपुलरली हम सेकेंड जजेस केस कहते हैं। ये केस था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। और इस सेकेंड जजेस केस में उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, दैट कंसल्टेशन शुड बी मीनिंगफुल, और मीनिंगफुल होने के लिए ज़रूरी है कि कंसल्टेशन शुड बी टेकन एज कंकरेंस, मींस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। प्रेसिडेंट को जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एडवाइस होगा वो मानना पड़ेगा, बट फॉर वेरी कंपेलिंग रीजन विच द प्रेसिडेंट मस्ट डिस्क्लोज, ही कैन इन सर्टेन केसेस एक्सेप्शनल केसेस डिफर। मतलब ये कर दिया कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन होगा वो प्रेसिडेंट शुड इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एक्सेप्ट इट। दिस इज इन द सेकेंड जजेस केस। इसके बाद थर्ड जजेस केस में, जो 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1999 सुप्रीम कोर्ट, जिसे पॉपुलरली थर्ड जजेस केस भी कहते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि ये जो कंसल्टेशन होगा इसमें प्लूरालिटी ऑफ जजेस के साथ कंसल्टेशन होना जरूरी है। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिफोर रिकमेंडिंग द नेम ऑफ द जजेस शुड कंसल्ट अ प्लूरालिटी ऑफ जजेस। उन्होंने एक कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलोंग विथ फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करेंगे नाम को। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि आफ्टर द थर्ड जजेस केस एक कॉलेजियम सिस्टम हमारे कंट्री में एस्टैब्लिश हो गया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट्स। इन 2014 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और इस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई कि अपॉइंटमेंट जजेस का थ्रू दिस कमीशन होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। बट दो साल बाद 2016 में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। तो दैट वे आज के डेट में दिस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज बीन स्ट्रक डाउन
by the Supreme Court in Supreme Court Advocate on Record Association versus Union of India 2016. इसमें उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 50 में ये कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को सेपरेट रखा जाना चाहिए एंड देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट अपॉइंटमेंट प्रोसीजर शुड आल्सो बी सेपरेट। तो ये हमने देखा कि प्रोसीजर अपॉइंटमेंट आज के डेट में इट इज थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट कि हु गिव्स देम ओथ। तो जजेस को ओथ इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है फॉर दैट पर्पस। और ये ओथ का फॉर्मेट थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ कैन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड या व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये प्रोसेस आर्टिकल 124 में और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दिया गया है। तो उन दोनों को हम साथ में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट कैन बी द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज, कि सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने का ग्राउंड क्या क्या है। तो दो ही ग्राउंड दिया गया है जिस ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। फर्स्ट इज मिसबिहेवियर एंड सेकेंड इज इनकैपेसिटी। तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी यही दो ग्राउंड्स हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। अब सबसे पहले फॉर रिमूवल देयर हैज टू बी अ मोशन, एक मोशन लाना होगा आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा में या राज्यसभा में। बट ये मोशन सपोर्टेड होना चाहिए कितने मेंबर्स से। तो यदि लोकसभा है तो एटलीस्ट इट शुड बी सपोर्टेड बाय 100 मेंबर्स। लोकसभा में यदि वो मोशन लाना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो 100 सांसद जो लोकसभा के हैं उनका उसमें सहमति होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 50 राज्यसभा के सांसदों की सहमति जरूरी है। तो फॉर इट टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा एटलीस्ट 50 मेंबर्स शुड एग्री टू इट। उसके बाद द सेकेंड स्टेप इज दैट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड वेदर टू एडमिट इट और नॉट। मतलब एक बार मोशन प्रेजेंट किया गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर लोकसभा इज द स्पीकर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा के जो हैं वो चेयरपर्सन हैं। अब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेंगे कि वेदर दिस मोशन शुड बी एडमिटेड और इट शुड बी रिजेक्टेड। देन थर्ड स्टेप इज दैट यदि इसे एडमिट कर लिया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, देन इट इज सेंड टू अ कमिटी ऑफ इंक्वायरी। थर्ड स्टेप में उसे अब एक इंक्वायरी कमिटी के पास भेज दिया जाता है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, एक हाई कोर्ट के जज रहेंगे और एक एमिनेंट जुरिस्ट रहेंगे। तो 3 मेंबर कमिटी बैठेगी जो उन पर लगाए गए आरोप का इंक्वायरी करेगी। नाउ इस इंक्वायरी कमीशन में, इस इंक्वायरी कमिटी में जो जज हैं संबंधित, उन्हें एक मौका दिया जाएगा अपना पक्ष रखने के लिए। सो अ हियरिंग विल बी गिवन टू द जज कंसर्न्ड। तो इस तरीके से हमने देखा, सबसे पहले पार्लियामेंट में मोशन लाया जाएगा, उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेंगे वेदर टू एडमिट और नॉट, उसके बाद कमिटी इंक्वायरी करेगी, उसमें हियरिंग दिया जाएगा संबंधित जज साहब को, एंड देयर आफ्टर यदि इंक्वायरी कमिटी गिल्टी मानती है तब उस दोनों सदनों में, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट शुड पास इट बाय अ रिजोल्यूशन। दोनों सदनों में उसे पास करना होगा उस मोशन को, और इसके लिए जो हमें मेजॉरिटी चाहिए वो है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग,
2/3 of the members present and voting, and 50% plus 1 of the total membership of house. इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, मैं फिर से बता देता हूं, 2/3 present and voting का and 50% plus 1 of the total membership of the house का, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उतने संख्या के साथ दोनों सदनों में ये रिजोल्यूशन पास होना चाहिए. Once it is passed, then it is sent to the president. फिर उसके बाद president साहब का उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए. Once that is signed, then the judge is removed. तो ये procedure है जिसे हम कहते हैं process similar to that of impeachment for the removal of the judge of a supreme court. तो friends, हमने आज आर्टिकल 124 में जो establishment of supreme court से संबंधित 5 questions हमने आज answer किए. First, how many judges are there in supreme court? तो ये देखें, this will be fixed by the parliament. और आज के डेट में 33 other judges and 1 chief justice of India is there. सेकेंड क्वेश्चन हमने देखा, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इसमें एक तो ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके बाद 3 में से कोई एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि ही मस्ट बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, या एक एमिनेंट जुरिस्ट. थर्ड, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस. फर्स्ट जजेस केस में कहा गया कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस. सेकेंड जजेस में ये कहा गया कि कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस. एंड थर्ड जजेस में कहा गया कि चीफ जस्टिस शुड कंसल्ट अ प्लुरालिटी ऑफ जज, दैट इज अ कॉलिजियम सिस्टम. फिर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई थी, बट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था इन द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 के केस में. देन फोर्थ, इनको ओथ दिलाया जाता है बाय प्रेसिडेंट और पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर दैट पर्पस. और ये थर्ड शेड्यूल में मेंशन है. Removal procedure is similar to that of the impeachment. First, motion लाया जाएगा, उसके बाद presiding officer उसे admit करेंगे. Third, there will be inquiry committee. Fourth, उसमें उन्हें hearing दिया जाएगा. Fifth, then if he is found guilty, then it has to be passed by a special majority. Then there will be presidential assent. And then that judge will be removed from his office. Thank you, friends.